सो वेलकम बैक गाइस, आज हम बनाने वाले एक टनल मिरर। इसे बनाने के लिए हमें 3 रिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं वुड से बना रहा हूँ। आप चाहे तो इसे 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लेज़र का यूज़ कर रहा हूँ 3 रिंग्स काटने के लिए। बाहर की दो जो रिंग्स है वो अंदर की रिंग से थोड़ी छोटी है, उसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्यों आगे वीडियो में। यहाँ पे मुझे 2 रिंग में स्लॉट्स करना है, इसके लिए मैं ये राउटर बिट का यूज़ कर रहा हूँ। ये रिंग्स को टेबल पे ठीक से क्लैंप करके मैं एक मिनी राउटर का यूज़ कर रहा हूँ एक स्लॉट करने के लिए, जिसमें मैं ग्लास फिट कर सकूँ। ग्लास जो है आप किसी भी ग्लास वेंडर से ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी कर सकते हैं, जो बहुत ही इजी बना देगा इस काम को। आप चाहे तो कोई भी शेप में कर सकते हैं, आपको बस उसको बोलना होगा कि भाई मुझे ये शेप का ग्लास चाहिए, तो वो आपको वो शेप में कट करके देगा। और उसकी एजिस को आप स्मूथ करवाना मत भूलिए, वरना वो आपको काम के वक्त लग सकती है। इसके लिए आपको 2 ग्लासेस चाहिए, एक जो प्योर मिरर होना चाहिए, दूसरा जो एक फिल्म वाला ग्लास होना चाहिए। दोनों की थिकनेस आपको सेम रखनी है। यहाँ पे ये ग्रूव मैं कुछ इस तरह कर रहा हूँ कि जो मेरा ग्लास है वो फ्रेम से थोड़ा नीचे बैठे, आप देख सकते हैं ग्रूव। और ये ग्लास रखने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। थोड़ी सी एक एज बाहर है वुड की जो ग्लास को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे मैं ये LED स्ट्रिप का यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये 1 मीटर चाहिए अगर आप 300 mm डायमीटर का रिंग बनाते हो। यहाँ पे जो सेंटर रिंग है उसमें हम लोग LED फिट करेंगे। यहाँ पे मैं एक होल ड्रिल कर लेता हूँ ताकि मैं वायर्स को बाहर निकाल सकूँ। ये होल इतना छोटा होना चाहिए कि इसमें से सिर्फ वायर जाए, वरना उसमें से धूल अंदर आ सकती है जो आपके मिरर को बिगाड़ सकता है। फिर वापस से आपको इसको खोल के वापस से इसको क्लीन करना पड़ता है। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसलिए आप होल को उतना छोटा ही रखें। ये जो LED स्ट्रिप बच जाती है उसे आप कट मत कीजिए, उससे आप ओवरलैप कर दीजिए, जिससे क्या है कि मिरर में कोई भी एक गैप नहीं रहेगा, तो ये उसका लुक एकदम परफेक्ट देगा, टनल लुक। बाद में वायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ और इसके लिए मैं हीट श्रिंक ट्यूब का यूज़ कर रहा हूँ। हीट श्रिंक ट्यूब को कैसे यूज़ कर रहा है मैंने आपको पिछली बार बताया था, आप चाहे तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बस मैं वायर्स को एक दूसरे से टाई करके उस पर हीट श्रिंक चढ़ा के उसको सिर्फ थोड़ी सी हीट अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे वो एक परमानेंट बॉन्ड बन सकता है। आप चाहे तो शोल्डर रिंग भी कर सकते हैं, लेकिन शोल्डर रिंग से ये प्रोसेस बहुत ही इजी है और जल्दी हो जाता है। यहाँ पर हम लोग फाइनल असेंबली पे आ जाएंगे। फाइनल असेंबली के लिए पहले आपको प्योर मिरर लेना है जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे मैं राउंड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो एक अच्छा टनल लुक देता है। और आपको दूसरा जो ग्लास चाहिए वो एक ऐसा ग्लास चाहिए जिसमें से जिस साइड लाइट पास हो उस साइड का ही दिखे, मतलब ये जो वो मिरर है जो आप कार्स में देखते हो, ऑफिस में देखते हो, ये वो मिरर है। यहाँ पे पहले हम लोग एक रिंग ले लेंगे और उसके ऊपर आपको मिरर फिक्स करना है। आपको ना बहुत ही ये क्लीन करना है, आप चाहे तो कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पे एक भी डस्ट का पार्ट नहीं रहना चाहिए वरना वो लाइटिंग में बहुत ही आई कैची बन जाएगा। इसलिए आप अपना टाइम लीजिए लेकिन इससे पूरा क्लीन कीजिए। यहाँ पे मैं चार साइड के बोल्ट डाल के इसके ऊपर मैं रिंग फिक्स करूंगा ताकि वो परफेक्ट अलाइनमेंट में बैठे। और इस पे बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट्स नहीं लगाने, आपको आपको मिरर को टच नहीं करना है। उसके बाद हम लोग रिंग लाइट इसमें इंसर्ट करेंगे और वो बाकी दोनों से छोटी होनी चाहिए वरना मिरर उसके अंदर चला जाएगा। और ये जो आखिरी मिरर है जिस पे फिल्म लगी हुई है, ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मोबाइल क्लीनिंग सॉल्यूशन का यूज़ कर रहा हूँ जो फिंगरप्रिंट्स और सब कुछ हटा देता है। इसके बाद मैं थर्ड रिंग इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं बीच में कुशनिंग के लिए रबर्स का यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो हॉट ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे रबर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको चारों बोल्ट्स की नट थोड़ी थोड़ी टाइट कर देनी है जिससे ये मिरर्स को एक जगह पे पकड़े रखेगा। उसके बाद आपको बाकी के जो बोल्ट्स है वो भी लगाना है। मैं यहाँ पे M5 Allen बोल्ट्स का यूज कर रहा हूँ और उनके जो हेड है वो भी पीछे रख रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे एक मैकेनिकल लुक चाहिए जो आगे नट दिखेगा आपका यहाँ पे। उसके बाद आपको सभी बोल्ट्स लगा देने हैं लेकिन सभी को टाइट नहीं करना है अभी, आपको सिर्फ लगा के उस पर नट अटका के रखना है ताकि बोल्ट निकल ना जाए अभी। अब मैं प्रॉपर एलन की का यूज़ कर रहा हूँ इसे टाइट करने के लिए। आपको एक के बाद एक टाइट नहीं करना है, पहले आपको एक साइड का करना है उसके बाद सामने की साइड का करना है। इससे क्या होगा कि मिरर पे इवन प्रेशर आएगा। अगर आपने एक साथ कोई एक जगह का पूरा टाइट कर दिया तो चांसेस है कि आपके मिरर ब्रेक हो सकते हैं, इसलिए आप धीमे धीमे टाइट कीजिए, एक साथ किसी भी एक पे पूरा प्रेशर मत दीजिए। और बस ये असेंबली कंप्लीट हो गई, देखते हैं मिरर बनने के बाद ये कैसा दिखता है। ऐसे ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।